चंद्रयान 2 मिशन सफल होते होते रह गया। चंद्रयान 2 को लेकर सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो वहीं ऑर्बिटर अब भी पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। चंद्रयान 2 मिशन को लेकर इसरो पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि लैंडर विक्रम से संपर्क हो जाए, तो वहीं चांद पर मौजूद विक्रम लैंडर से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। पर भारत के चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपने मिशन में जुटा हुआ है, और सबसे अहम बात यह है कि भारत के दूसरे मून मिशन का ये ऑर्बिटर चांद के हमेशा अंधेरे में रहने वाले यानी उन क्षेत्रों की तस्वीरें भेजेगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती है। ये पूरी दुनिया के लिए नई जानकारी होगी। तो वहीं वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि एक दशक पहले भेजे गए भारत के पहले चंद्रयान से इसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार ने कहा है कि हम चंद्रयान 1 से कहीं ज्यादा बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। तो वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि ऑर्बिटर पहले ही चांद की कक्षा में स्थापित हो चुका है, और वो चांद की विकास यात्रा, सतह की संरचना, खनिज और पानी की उपलब्धता आदि के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो वहीं देखा जाए तो इसरो पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम है उसे संपर्क हो जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सफल होने की संभावना अभी तक नहीं आई है, हालांकि कोशिश जारी है। तो वहीं लैंडर ने चांद पर हार्ड लैंडिंग की थी, जब अब भी उससे कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश तो हो रही है। आपको बता दें कि लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो वहीं इसरो के पास अभी कुछ ही समय बचे हुए हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।